आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अमेठी के रेलवे स्टेशन पर अमेठी आरटीओ सर्वेश्वर सिंह और ट्रैफिक सीओ मनोज यादव के द्वारा स्काउट गाइड के बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। साथ ही उनसे अपील की गई कि नशे के हालत में गाड़ी ना चलाएं, बिना हेलमेट के बाइक ना चलाने की अपील की गई। इसके अलावा अपील की गई कि गाड़ी चलाते समय फोन पर बातचीत ना करें, जरूरी हो तो गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी करके बात करने के बाद गाड़ी चलाएं। जागरूकता को लेकर अमेठी परिवहन अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर सड़क हादसे नशे की हालत में या गाड़ी तेज चलाने से होते हैं, इसलिए सभी लोग अपने परिचित और जानने वाले जाकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करें। साथ ही ट्रैफिक सीओ मनोज यादव ने बताया कि इसके लिए हम लोग बराबर चेकिंग कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। अच्छा, सप्ताह को लेकर के स्काउट गाइड बच्चों को जागरूक किया गया, किस तरीके का क्या प्रोग्राम है? 18 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा पे एक बैठक की थी और काफ़ी विस्तृत रूप में निर्देश भी जारी हुआ है प्रत्येक विभाग को, चाहे वो गृह विभाग हो, पुलिस विभाग हो, परिवहन हो। तो प्रत्येक दिन के लिए है कि हम स्कूल में जाके बच्चों को जागरूक करें, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती हैं वो 90% मानवीय भूल के कारण होती है। 90 से 95% मानवीय भूल होती है, 5% है टेक्निकल एरर, उस पर हमारा बस है नहीं। मानवीय भूल को हम जागरूकता से सुधार सकते हैं ताकि लोग गलती कम करें, यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। उसी के क्रम में आज अमेठी स्टेशन पे स्काउट के बच्चों के बीच हम लोगों ने यातायात नियमों की चर्चा की और उनको ये संदेश दिया कि अपने परिचितों में, अपने स्कूल में, अपने कोलिग्स में यातायात के नियमों का प्रसार करें। यातायात के नियमों को लेकर आपने जागरूकता की, किस तरीके की क्या अपील की है? आरटीओ साहब ने सारी चीज़ें आप लोगों को बताए हैं। इसमें है कि बच्चों के माध्यम से लोगों तक, जन जन तक माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश प्राप्त हुआ है उसको पहुंचाया जा रहा है कि हम लोग कहीं कहीं एक्सीडेंट के मामले में मैक्सिमम संख्या कम किया जाए। जैसे इन्होंने बताया है कि मानवीय भूल के कारण 90 से 95% एक्सीडेंट होते हैं, उसको रोका जा सकता है। ये तभी रोका जा सकता है जब लोगों को अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। ख़ासतौर से देखेंगे कि आप लोग मैक्सिमम लोग मिलेंगे ड्रिंक करके चलाते हैं गाड़ी, नंबर एक। दूसरा, रात में गाड़ी ख़राब हो जाती है, सड़क के किनारे खड़ा कर देते हैं, ये एक बड़ी समस्या है जिसको अभियान चलाया जा रहा है। और जो भी रात में गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं उसको तत्काल हटवाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग ऐसा ना करें, कहीं भी गाड़ी ख़राब होती है तो रात में ही उसे हटा दिया जाए। इसके अलावा स्पीड, गाड़ियों के स्पीड में ख़ासतौर से युवा वर्ग बहुत स्पीड से चलता है, उसको प्रयास किया जा रहा है कि उतना ही स्पीड से चले जिससे कैजुअल्टी होने की संभावना ना हो। इन सब चीज़ों पर ख़ासतौर से फोकस किया जा रहा है। और जाम के जो हैं, जाम जहाँ देखेंगे आप मैक्सिमम गाड़ी खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके लोग दुकान में चले जाएंगे, रोड पर गाड़ी खड़ा करते हैं, उसका भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि रोड पे गाड़ी खड़ा ना हो, स्टैंड में जाके गाड़ी खड़ा हो। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम लोग बच्चों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि ये सब चीज़ों को यदि हम लोग कवर कर लिए तो जितनी कैजुअल्टी हो रही निश्चित रूप से 75% हम कम करने में सफल होंगे।